माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें दो बंदों ने उठाया हुआ है जोर लगा के। ये है जी, देखें ये लिखा हुआ तो डेरा बखा, एड्रेस लिखा हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे ना खड़े हो, बहन भाइयों को देखने दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। सवाल अल्हम्दुलिल्लाह में भी बड़े छोटे साथ ठीक ठाक हैं। हमारा वीडियो भी होगी शुरू। तो अभी अभी जो आज हम बहुत बड़ा सरप्राइज है, पार्सल ओपन करना है। मुझे नाम नहीं सही दिखाते हैं। हंस रही है जैसे बच्ची शर्मा रही हो। नहीं, जो नाम नहीं आता आप शर्माना। ले तो लिया पार्सल, बोरा है बहुत बड़ा, वो हमने ओपन करना है, दिखाना है आज। है, वो दिखाते हैं। हाँ, तो सबने देखना है कि उस बोरे में क्या है, कितना बड़ा बोरा है। तकरीबन 3-4 मन का तो होगा। हाँ, बड़ा है ना, बहुत ज्यादा। हाँ जी, इसको ओपन करेंगे फिर गद्दा रेडी भी ना उठा सकती है। हाँ, इतना बड़ा था वो, सोलंग से गद्दा रेडी पर ले आया ना, उठाया नहीं जाता था। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें या ना करें, वो सब क्यों ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आस्ता बोल रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे। सुन रहे हैं सब बात, आवाज ही नहीं निकल रही आपकी। नहीं, आवाज तो ज्यादा है, बहुत जल्दी मैं बोल रही हूँ ना, उनको समझ आ जाएगी। नहीं, आजकल आप लोग ना इतना आहिस्ता बोलते हैं, अब भी आप भी सुबह मेरी वीडियो में जब मैंने क्लिप बनाया था ना इधर। हाँ। चार पेपर बैठे थे, बिल्कुल भी ऐसे लगता था कि होंठ हिल रहे हैं, आवाज कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, वो कुछ हो गया मोबाइल को, मोबाइल तेरा जो सही नहीं है बस। यही आवाज तो हमारी करीब से तो खड़े हैं, बात कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जोड़ी सलामत रहे। आमीन आमीन। एक साथ बैठे हैं, रोज बैठते हैं, कोई नई बात है भाई? क्यों बैठे हैं? मार दें फायर, क्यों बैठे हैं? नहीं, मजाक कर रहा था आपका, तो आके बैठे। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था वो फेसबुक पे। हाँ जी, वो बता रहे थे पुलिस ने एक मुजरिम को पकड़ा हुआ था। अच्छा, लड़का था तुम्हारी उम्र का। हाँ जी, वो बता रहे थे कि उसने अपने अम्मी अबू को साथ में देखा और दोनों को फायर मार दिया। ओह, अजीब बात। नहीं नहीं, हम ऐसे पागल नहीं है। आप लोगों का, आप भी पूछ रहे हैं क्यों बैठे हैं। तो वही बात याद आ गई। हाँ, वही जहन में आ गई कि ऐसे ही बेटे होते हैं जो। हाँ, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे तो खुशी है कि आप साथ बैठे हैं, खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लग रहा है तो आप अपनी अम्मी को ले जाएं। नहीं नहीं, मैं अकेला बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है, साथ तो बैठे हैं। किस्मत से साथ बैठे हैं। आपको पता है बैठते करीब हैं ऐसे। हाँ, गप्पे शप्पे लगाते हैं। हाँ जी, खाना वखरा वखरा। खाना वखरा, वो भी मैं देख रहा हूँ ना, जब भी खाना खाते हैं। खाना ना इनके साथ मुझे अच्छा लगता है, रूढ़ी देता। बात सुने बाप, अपने हस्बैंड के साथ खाना अच्छा लगता है? नहीं, रूढ़ है ना इसके साथ खाना। अच्छा, भूखा तो नहीं मरना ना। नहीं, जब शादी करके आए थे तब से ऐसे छोड़ दिया। हाँ, ऐसे छोड़ दिया। उसको अलग देती है। हाँ। वो अकेले खाती है, मैं अकेला खाता हूँ। अच्छा, चौथे दिन उसने अपनी चारपाई अलग कर ली। हाँ, सिर्फ खाना आज किया कहती है। खाना वैसे ना मैं इनके साथ खाऊँ ना, मेरी भूख नहीं मिटती, अजीब सा ही मैं महसूस कर रहा। दूसरा बंदा जो ज्यादा खा रही है, ये भी कई बात, घर में बैठे हैं, खाना जितना चाहे ले सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ, ये बात करो, दिल में आ जाता है कि शायद अकेली खाऊँ, जितना देर खाऊँ थोड़ा खाऊँ बस। हाँ, ये सोचते हैं आप शायद कह दें ये ज्यादा खा रही है। ये बात असल में मेरी भी एक आदत है। हाँ, वो मैं आपको बता दूँ, जो चीज होती है ना, अच्छी हो या मारी बनी हो, जो चीज भी बनी हो। हाँ जी, मैं तुम्हारी अम्मी से कहता हूँ कि जो जितनी मेरे हिस्से में आती है थोड़ी थोड़ी, वो मुझे अलहदा ही दे दे। हाँ, अक्सर कहते हैं ना, हाँ ये लो आप खा लो, बाकी उसको भी दे देना कुछ उसको भी। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं। हाँ जी, जितना हिस्सा मेरा आता है मुझे उतना ही दे दो। हाँ, वही खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, माशाल्लाह। ये नहीं कहता कि ये कम है। और दूसरी बात ये कि जब भी सालन वगैरह देते हैं ना जी, अक्सर बंदे मैंने देखे हैं कि एक बार सालन लेते हैं, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार सालन दो। मैंने कभी भी, चाहे थोड़ा है ज्यादा है, हाँ जी, उसी में पूरा करता हूँ मैं, कभी दूसरी बार सालन नहीं लेता। बिल्कुल, हमने भी कभी नहीं देखा कि अबू ने दूसरी बार सालन लिया हो, चाहे गोश्त बना हो, चाहे कुछ बना हो, एक बार दे दो बस।
हाँ जी, सब्र करना चाहिए ना, ये सब्र होता है, अल्लाह पाक सब्र को में बरकत अता फरमाता है। बिल्कुल सही कहा। हम तो भाई अपने बीवियों के साथ बैठते हैं ना तो एक खत्म होता है वो खुद ही डाल लेती है, डाल देती है, मगर तुम घर पे हो ना, हम साथ खाते हैं ना, तो सारा दिन मजदूरियां करते, काम करते, सुबह के जाते रात दे 2 बजे 3 बजे वापस आते, पीछे कौन इंतजार करता। हम ऐसे अकेले में खाते खाते आदत पर भी बात, जब बच्चे हो गए तो बच्चे को साथ बह के खाना, हाँ ऐसे ना हो। मैंने तो ज्यादा दे दी थी, मैं रात को जब भी आऊँ मैं खा लूंगा, आप खा लिया, मेरा इंतजार ना किया, चाय पी के चले जाते काम पर, फिर खाना आप खाना, बच्चों को देना, ऐसे ना फिर वो आदत पड़ जाती। हाँ हम भी यही बात करते हैं, हमने कहा हमें लेट हो जाए या हम काम कर रहे होते हैं आप खा लिया करें, लेकिन वो नहीं खाते हमारे बगैर, क्या करें, आप बैठे होते हैं ना, अभी आप घर में ही बैठे हैं बस, अभी आ जाते हैं अभी खा लेते हैं, हाँ इंतजार करते रहते। तो सुबह मेरे अब्बू और मैं जाते थे काम पे, हाँ जी एक साथ काम करते थे, सुबह जब मेरी शादी हुई तब तकरीबन चौथे दिन मैं फिर काम पे चला गया था। अच्छा, तो सुबह सुबह चाय पीते थे, चाय पी के निकल जाते थे, हाँ जहाँ पर काम होता था वहीं नाश्ता भी वहीं करते थे, काम करते थे सारा दिन, कभी शाम को 7 बजे आ जाते थे, कभी 8 बजे, कभी 12-12 बज जाते थे। हाँ जी, तो इसको इंतजार अच्छा नहीं लगता था कि रात को 12-1 बजे तक ये भूखी रहे। हाँ, मैंने कहा आप खा लिया करो रोटी, मैं जब भी आऊँगा हो सकता है मैं बाहर से खा के ही आऊँ शाम की रोटी। बिल्कुल, तो इसीलिए मेरा इंतजार ना किया करो। उस दिन से ये आदि हुई है अलहदा, अक्सर मैं बाहर ही रहा। अब कहती है बस अकेले ही खाना है, मैं तो अक्सर बाहर ही रहा हूँ जी, कहीं नौकरी की है तो 2-2, 4-4 महीने फिर घर नहीं आना, हफ्ता 4 दिन आना फिर चले जाना। हाँ हमें याद है आप जहाँ जहाँ भी जाते थे, तो हम जब इरफान और मैं बड़े हुए थे तो आप ना वो 1-1 रुपए वाले नहीं होते, बुधक के नो 5 रुपए 5 रुपए 1 रुपए वाले में बहुत सारे इकट्ठे करके लाता था, वो छापरी में लाते थे तो रख देते थे, हमें पता चलता था कि अब वो आ गए हैं पैसे ले आए हैं। तो जहाँ रहते थे ना वहाँ पर कोई चीज सौदा वगैरह लेते थे ना जी, उस वक्त वही चलते थे, तो वो बकाए में देते थे, कभी 5 रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए, 4 रुपए दे दिए, फिर वो जेब में अच्छे नहीं लगते थे, मैं जाके रख देता था एक जगह, इकट्ठे होते थे 2-4 महीने बाद जब आता था देखता था जितने बने पड़े थे, हाँ जी वो फिर मैं ले आता था, चलो बच्चों के काम आ जाएंगे। हाँ हम वो अम्मी से लेते थे, जब अम्मी नहीं देती थी तो फिर उठा लेते थे, चोरी कर लेते थे। अम्मा सारा दिन मजदूरी करती थी, अम्मी ऐसी है उसको पता नहीं चलता मैंने कितने रखे हैं, वो मुझे बताती थी पैसे मैंने इतने रखे थे घर में, तो अभी कम है, मैंने कहा ये चाबी आपके पास होती है, ताला लगा होता है, कैसे जाते हैं, कहती है मैं बच्चों को चाबी दे देती हूँ जाओ उसने उठा लो। अभी क्या करते, मैं जब घर में होती तो कोई चीज न मांगते, जब मैं काम से चली जाऊँ घर के बाहर करीब परे हो जाती तो फिर हमें पैसे चाहिए, हमें फलानी चाय गिरनी है, फलानी गिरनी है, फिर मैं उधर खा के चाबी, ये चाबी है वजह उठा के फलानी। आप 5,000 भी दे जाते थे ना 100-100 रुपए वाले, तो अम्मी रख देती थी तो हम उस उनमें से अगर 100 उठा लें तो अम्मी कहती थी ये गिनती करें यहाँ कितने हैं, वो तो उठाए भी तो हमने होते हैं तो अम्मी को बता देते थे, लेकिन उस वक्त और कोई नहीं कि हम ये करें वो करें, नहीं खाने के लिए बचपन को बच्चे में दुकानें करीब थी सारा दिन खाने का काम, हम कहते थे मतीरा खा लेंगे, केले खा लेंगे, उस वक्त दौर ऐसे थे कि इतने पैसे देता भी है यार, चाहे हमने मजदूरी की है चाहे हमने जो कुछ भी किया है ना जी, की मेहरबानी है कि सुरखरू हुए हैं, किसी का कर्जा नहीं देना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी से मांगा नहीं है जी। जब मैं बाहर नौकरी पे होता था, काम करते थे, मजदूरी करते थे, लोग मुझसे उधार लेते थे, मैं किसी से नहीं लेता था, हाँ ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया है, लेकिन अब माशाल्लाह और बेहतर हालात हो गए हैं, कुछ इधर आने से ना कुछ हालात बहुत खराब हो गए थे, हाँ इतने हालात तंग हो गए थे, तो दुकान पे खाते लगाए थे, आपको पता है दुकान वाले भी फिर बातें करते हैं, हाँ फौरी सबसे पहले जब हम इधर आए फौरी मेरी शादी, हाँ शादी पे काफी इतना कर्ज हुआ, फिर इरफान की शादी, दो शादियाँ जब एक साथ बंदा कर लेता है तो फिर इतना कर्ज हो गया था यहाँ पर दुकाने वालों से कि वो हमें ना कोई चीज देना भी गवारा नहीं करते थे जब भी जाते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इतना रहम किया कि सब कर्जे भी उतर गए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब किसी का 1 रुपया नहीं देना जी, जो भी गरीब हैं आ जाते हैं हमारे पास,
यार फलानी चीज की जरूरत है, इतने पैसों की जरूरत है, बात दे देंगे। हम कभी किसी को ना नहीं करते, बिल्कुल वो मजबूर होता है जो आता है तो चल जी, तो हम दे देते हैं, वो फिर वापस कर देते हैं। हाँ, जो दुकानदार उस टाइम कहता था ना कि बस इनको कुछ नहीं देना, ऐसा है फला है, तो आज वही बुला बुला कर कहते हैं यार हमारी दुकान पे क्यों नहीं आते। अल्लाह ने जब इज्जत देनी होती है ना, देखें हाँ, उलट पुलट हो जाती है। इसी चक में ऐसा था कि हमें कोई जानता तक नहीं था। हाँ, हम जाते थे ऐसे, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं, कोई दुकानदार से सौदे लेके कुछ भी, पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, लेकिन अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस टाउन में पहचान बन गई। पूरे चक में जाएं, जिस दुकान पे जाएं, जिस बंदे के पास जाएं, मेरा नाम ले लें, हाँ, वो कह रहे हैं फलां चीज दे दो, वो पूछेंगे भी नहीं कब देंगे, दे देते हैं। अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, बिल्कुल अल्लाह ने, इसीलिए तो कहा है सब्र करो। हाँ जी, औरों को ना देखो जो आपसे ऊपर हैं। बिल्कुल यही मैं आपको समझाता रहता हूँ कि आपसे जो नीचे हैं उनको देखो, जिनके घर आपसे कम हैं, आपके आपसे कम खा रहे हैं, परेशान हैं, हाँ उनको देखो। आपके पास अगर फुर्सत है उनकी मदद करो जी। अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरी उम्मत पर रहम करता है, मेरी मखलूक पर रहम करता है, मैं उस पर रहम करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आज तो माशाल्लाह बहुत सारे खर्चे करके लाए हैं। खर्चे माशाल्लाह, पार्सल बड़ा, तीन चार मन का, तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। कुछ भी इसको साथ दे के जाना ही नहीं था। नहीं, कभी कभी तो मौका मिलता है कि वो मम्मी जान सही। कौन सा रोज रोज मानते हैं? अभी काफी चीज है ना, अभी अभी एक बार और चक्कर लगेगा। ये कल से तैयार हो रही थी, नहा धो के कपड़े पहन के, मैंने कहा नहीं जाना। फिर कल शाम को गुस्से हो रही थी, मैंने कहा गए नहीं। हाँ, आज फिर तैयार हो गई, मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं जी। लेकिन आज तो जाके इसने ऐसी खरीदारी की, ऐसी शॉपिंग की, अच्छा बस मेरी तो जेब खाली हो गई। आखिर में 100 रुपए बचे थे, मैंने कहा आ जाओ ये जूस का गिलास पी लेते हैं। वो गन्ने वाला जूस मिलता है, गिलास वो गन्ने वाला जूस पी के घर आ गए। चलो, ये जिस चीजों की जरूरत थी, चलो वो तो आ गई ना। ये जरूरत की चीजें थी, लाजमी चाहिए थी, मुझे भी पता है अभी लेनी है। हाँ जी, तो चोर चोरी कर रहा है, चोर चोरी किश किश। इरफान भाई, इरफान भाई, ये गलत है, चोरी क्या सबके सामने उठाया। ये गलत नहीं हो रहा। हाँ, हिस्सा मिलने वाला था यार आपको। यार छोटे बच्चे हैं, वो भी सब्र के साथ बैठे हैं। हाँ, आपको सब्र नहीं होता। मुनीब घर करना है ना, मुनीब वाली आदत है भी लेगी। हाँ, कुछ कुछ आदत, ये दोनों एक जैसे हैं। मुनीब भी हाँ सब्र नहीं करता, जो भी चीज आगे आ जाए बस पूछना भी नहीं, बात उठा लेनी है और खा लेनी है। हाँ, अच्छा खर्चा तो कर रहे हैं, अब दिखाने वाले हैं आज के नहीं? हाँ, दिखाएंगे दिखाएंगे अभी दिखाते हैं हम, क्योंकि किसी को इंतजार नहीं करवाते। अभी दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। हाँ जी, इतना बड़ा बोरा था ना। हाँ जी, भी नहीं जाता। देखा है आप, बड़े जोर शोर से गद्दा रेडी पर उठा के ले आ रहे थे। हाँ जी, पीछे धक्का लगवा के उस बड़े बोरे में देखें बहन भाइयों क्या हम ला लेके आए हैं, जो इतना बड़ा बोरा है। हाँ जी, अभी दिखाते हैं, आ जाओ दिखा दे। क्या क्या चाहिए? हर वे सौदे गिनवेंदी खड़ी तू। मैं कहा दोपहर को तो हसीब लेके आया था, अभी फिर ले आया है और आएगा। अच्छा, दोपहर वाले हैं। हाँ, क्या क्या है? नमक, घी, टमाटर, साथ है। अच्छा, नहाने वाला साबुन सही है, रख दो। और नीचे वाला खाना फटा हुआ है, बिल्लियों ने फटा दिया था, और भाभी ने देखे खुद बनाया हुआ है आज। ये क्या बना दिया? दाल है। अच्छा, दाल बना दी VIP करके। हाँ जी। अच्छा, आप काम कर रही हो, आप काम कर सकती हो क्या? हाँ, कर सकती हूँ। ना कर सको तो बताना। नहीं, मैं कर लूँगी। अच्छा अच्छा, बना ली है। अच्छा, बन गई। हाँ जी। अब जाकर चारपाई पर बैठ जाओ, अगर वो देखना है ना, पार्सल आया हुआ है एक बड़ा बोरा। हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ, आपने तो देख लिया ना, बहन बहन को दिखाना है तो आ जाओ, उसमें खोलते हैं क्या है। हाँ जी, लकिया खोल दें बोरा। मैं क्या? चलो आ जाओ सोबिया, आप भी आ जाओ, बोरा खोलते हैं। मैं हांडी पका रही हूँ, देर हो गई काफी, इंशाल्लाह देख लूंगी मैं वही वही से। नहीं, उधर आ जाओ, खुशी की बात होगी। जकिया क्यों नाराज बैठी है?
क्या हुआ? किस बात की नाराजगी है? मेरे को लगता है आपको नाराजगी है। क्या आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं आया? वाह वाह, आप हेल्पर ही हो, जब भी कोई जाता है आपके लिए गिफ्ट लेके आए। हाँ अच्छा, किस बात की नाराजगी है बताओ? गिफ्ट देख लिए? मैं नहीं देख रही। क्यों, खुश हो? हाँ, रो रही हो? वाह वाह, हंस रही हो, खेल रही हो, रो कहाँ रही हो? अच्छा, वो चार पाई पर अंदर चाहे बिस्तरे रखे हुए हैं, पैर मैं वो नहीं निकाले? सब उड़े नीचे उठा, सुबह शाम उठा लेती है, अभी नहीं चब दिया? नहीं भारी, अभी वजन कम हो गया उनका, एक एक किलो घटा दिया है। नहीं है भारिया, आपकी खातिर हमने एक एक किलो वजन कम करवा लिया। अच्छा चलो उठा लो, दो बंदे मिल के उठा लो, रिजवाना भी है ना। माशाल्लाह, समिया के पास पहुंच गए हैं। समिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आज तो काला दुपट्टा पहन लिया, माशाल्लाह। समिया केले खाओगी? हैं, केले खाना चाहती हो? कितने केले खाओगी? अम्मी को बोलो मुझे भी दो, जोर से बोल दो, बोल दो। हाँ बोलो, समिया को केले दे ओए हसीब। हाँ ले आओ ले आओ, ये देखें केले आ गए। हसीब लेके आया है, हसीब ने देखे बाल बुलाए हुए हैं माशाल्लाह। और ये देखें, खा लो मजे करो, इधर से खाओ। हाँ खाओ खाओ, इधर से। हाँ ये वाली साइड खाते हैं, सारा नहीं, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं खाया जाता आपसे, एक साथ सारा मुंह में डाल दिया। ये जी हमारी सिस्टर माशाल्लाह बहुत प्यारी है, दुआ करती है हमारे घर में, खुशियाँ हैं माशाल्लाह इसकी वजह से। हाँ जी देख रही हो, केले खाओगी? अम्मी ने केले बांटना शुरू कर दिया है जी, हमारा ऐसा भी मिल जाएगा। हाँ बंदा करीब आ जाता है, कुछ ज्यादा मिल जाता है। हाँ, आप चले जाएं ना, मैं तो काम कर रही हूँ, आप चले जाएं। चलो भाई समिया को खिला दो दोनों, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें दो बंदों ने उठाया हुआ है जोर लगा के। हसीब जोर लगाओ, क्या हुआ? खड़ा कर दो, खड़ा करो, देखे पकड़ो। हाँ जी, ये है जी देखे, ये लिखा हुआ तो डेरा बखा, एड्रेस लिखा हुआ है यार, डेरा बखा से लेकर आए हैं, कोई गिफ्ट नहीं है, शॉपिंग करके आए। मैंने कहा शायद पार्सल बाहर से आया है, तो ये ऊपर डेरा बखा एड्रेस लिखा हुआ है। नहीं नहीं, डेरा बखा बाहर से जो आया, दुकान वालों का सामान आया था। अच्छा अच्छा, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ हाँ, और इसी दुकान से हम लेके आए हैं ना। हाँ जी, तो दुकान वाले ने इसी बोरे में डाल दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले ओपन करें, दिखाएं। वो बहन भाई कहते हैं ये औरतों का काम होता है दिखाना, हम क्यों दिखा? हाँ हम देख रहे हैं, आप दिखाते रहे। हाँ इसीलिए तो मैं सोबिया को बुला रहा था, अब आ गई है, देखे आ गई हो? हाँ जी। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओपन हो गया जी माशाल्लाह। इस्तियाना दिखा छोड़े, इसमें क्या है? बहुत बड़े बड़े शॉपर नजर आ रहे हैं, ये देखें कितने गिफ्ट हैं। ओहो तो ऐसे हैं जैसे पार्सल आया। हाँ पार्सल ही है माशाल्लाह, पार्सल है, जैसे अलग अलग नाम लिखे होते हैं, अलग अलग शॉपर होते हैं। हाँ जी, इस्याना बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे ना खड़े हो, बहन भाइयों को देखने दो। ए हाँ इधर बैठ के ये, ओ ओ ऐसा ऐसा से निकाले, गिफ्ट गिफ्ट गिर ना जाए। ये फाड़ दिया शॉपर, ऐसे ना उसे चेक किया ना। हाँ माशाल्लाह, ये टप्पे लगा रहा है। ये देख लें, बहुत अच्छा बेहतरीन है, देख लें। अच्छा हाँ जी, ये जेप भी बनी हुई है, जेप बनी हुई है, निकाल कर इसे और कुछ और भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, चेक करें जी, ये रहा पार्सल, याद भी हो तो थोड़ी कर लें। नहीं ये नहीं, नहीं होती, वो नहीं है, ये बैठती नहीं है,
बैठ जाएगी नहीं ऐसे नहीं होता है ना सर, हाँ, ये दबाव दबाव आने से ऐसा हो जाता है, ऐसे ही होती है, गोल तकिए जो होते हैं वो भी इसी चीज के होते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये तकिए हैं जी। अच्छा अच्छा, ये आपको बता दें, तकिया नंबर वन। हाँ, ये ना सही है, ऊपर वाले जो मुझे लगता है ये बड़े हैं, वो तक छोटे हैं। नहीं बराबर ही हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। चलो आप अब हांडी पकाना चाहते हो तो ठीक है, अब हमने ओपन कर दिया है तो हम दिखाते रहेंगे, ठीक है। हाँ जाओ। अच्छा ये सारे एक ही है और ये चौथा भी आ गया। अच्छा एक दो तीन चार बोरे बने हुए हैं अलग अलग से, चार तकिए, पहले जो खाली तकिए लेके आए थे ना। जी जी, वो उसमें ये ऊपर वो छाट चढ़ा देंगे, ये बने हुए हैं ना। हाँ, इसके ऊपर वो चढ़ा देंगे। अच्छा, और सो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजकल जदीद दौर है, हर चीज बनी बनाई आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, बनी बनाई हर चीज मिल रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा दौर है। ये अभी बाद में दिखाएंगे, पहले ये बता दें कि ये क्या है। ये तकिए हैं, तकिए आपको नजर नहीं आ रहे। वाह जी वाह, बना बना है। हाँ जी, रंग कितने हैं, कैसे प्यारे हैं, खुले खुले हैं माशाल्लाह के। इसके ऊपर वो चढ़ेगा। हाँ, वो तकिए पहले लेके आए थे ना कपड़े, वो उसके ऊपर चढ़ा देंगे। माशाल्लाह, ये उनकी मेहरबानी है कि बना बनाए भेज रहे हैं। हाँ, इसलिए तो चाचा दुकान वाला कहता था एक निकाल लें। हाँ, फिर हम बता देते हैं कि कितने हैं। ये शापरवी है। अच्छा, ये दिखाएंगे अभी रहने। ये देखें जी, आसान काम उन्होंने किया। ये भी देखें, ये माशाल्लाह बहुत नरम मुलायम और गर्म। हाँ जी, माशाल्लाह, ये रजाई वाली जो आज पहले होती थी कपास रुई। हाँ जी, उसके बदले में अब ये बनाई है रुई, बनी बनाई पैक प्रेस हुई। हाँ जी, ये रजाई में डाल के बस सिलाई थोड़ी मार लो और अब अपने के लिए आसानी हो गई है। हाँ, तकिए बनाएंगे ना ये रजाइयों को सिएंगे। एक ही तोपा लगेगा, एक ही तोपा लगेगा, आपके लिए आसानी है, मैं बता रहा हूँ। दो चार लगेंगे नहीं, मतलब ऊपर से उसका वो डाल के जो छा होता है, वो कवर डाल के ना, वो कवर डाल के ऊपर मुंह को सिलाई मार देनी है। हाँ जी, तीन जो है दरमियान में मार देने हैं। आसानी है कुछ। हाँ, वो तो वो ज्यादा खजर को आई है, गरामी बहुत ज्यादा होंगी है ना। वो कहते हैं अगर वो 5 किलो रुई डाले ना दूसरी रजाई में और ये डाले, ये ज्यादा गर्म होगी 5 किलो वाली। जी, वो 5 किलो अगर डालते हैं ना उस रजाई में तो वो ना एक जगह पे इकट्ठी हो जाते, वो अच्छी नहीं होती ना, वो थोड़ी थोड़ी सी काटते एक जगह पे रखते हैं। बराबर प्रेस हो गया, ये बेहतरीन चीज है माशाल्लाह। शहजादा भी देखने आ गया, शहजादे के लिए तो सारा कुछ आ गया है। हाँ, लाखों की शॉपिंग शहजादे के लिए। दूध पीने के लिए साकिब आ गए हो देखने, शहजादे के लिए तो ये शॉपिंग करके आए हैं। वो सोचता है ये पहले क्या, पहले तो ऐसी शॉपिंग नहीं की थी ना। नहीं, नहीं। ये माशाल्लाह वो लकी है हमारा बेटा, उसी के आने से ये शॉपिंग भी हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं, चर्चे भी हो रहे हैं। हाँ, बहन भाइयों को पता है कि हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही जब हमारा बेटा। ये सब हम इंतजाम कर रहे हैं अपने फंक्शन के लिए। माशाल्लाह, के लिए तो है फंक्शन, उसी का है, मेहमान उसी के आएंगे। उन मेहमानों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी जी, तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, सर्दियों में बिस्तरों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ जी, इसीलिए ये बिस्तरे कुछ जमा कर रहे हैं ताकि मेहमान वगैरह जो आते हैं, पूरी पूरी फैमिली आती हैं। हाँ जी, तो हमारे पास बिस्तरे नहीं होते, हम साइयों के पास जाते हैं। आजकल महंगाई है, हर बंदा पूरे पूरे बनाता है जी, बहुत मुश्किल होती है। तो हमने आज दिल पे पत्थर रख के जो कुछ भी था, अभी रजाइयां लेनी थी तो वो अभी नहीं लिया, पैसे खत्म हो गए। इसमें ये एस जैसे हैं, पांच पांच रजाइयां बन सकती हैं। तीन ले आए थे पहले रजाइयां, पहले ले दो, अभी पैसे नहीं बचे। हाँ, वो पैसे खत्म हो गए थे हमारे पास, हमने कहा जब पैसे आएंगे तो फिर दुकान वाले से बात कर ली कि हम ले जाएंगे। हाँ जी, दुकान वाले ने कहा है कि ले जाओ, कोई बस मसला नहीं है, पैसे दे देना। मैंने कहा नहीं, उधार मेरा जहन नहीं मानता कि उधार। हाँ जी, लगता है हफ्ते का बोल के आए, पैसे ना हो हफ्ते में। हाँ जी, फिर वो बात फोन करते रहे, कहते रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
बिल्कुल सही कहा। होंगे तो इंशाल्लाह मैंने कहा वो ले लेंगे, ये चीजें रख लेंगे। हाँ जी, वो रजाइयां लेके आएंगे, चार जोड़ते हैं कवर जी, इसके ऊपर चढ़ा के सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल, ये पांच हैं जी, ये था जी पांच मन का बोरा। हाँ जी, ये भरा हुआ था। ये देखे एक मोला ये है, बाकी सारा देखे कितना बड़ा बोरा है। हाँ जी, चार इसमें हैं। अच्छा हाँ, इसको इसको जरा उठाना, कितना वजन है अब इसका बचा हुआ है, उठा लें उठा लें, तोला नहीं जा सकता, उठा लें। अभी दो बंदे उठा रहे हैं एक हाथ से। हौली होती है। हाँ जी, माशाल्लाह। और ये चीज देखें, ये इधर ही दिखा लें, याद नहीं है कि क्या है। नहीं, ये इधर दिखा रहे हैं क्या, या इंतजार करवाए मेरे वीडियो में दिखा देंगे। यार हम शॉपिंग दिखा रहे हैं, सिर्फ यही चीज दिखानी थी शॉपिंग। बहन भाई बोलेंगे ये एक चीज दो चीजें दिखाई हैं बस। हाँ हाँ, वो तो दिखा दिया ना, बाद में खुद भी दिखा देना, अपनी वीडियो में भी सब कुछ दिखा देना बेटा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ओपन कर दो। माशाल्लाह, सर्दियों की जरूरत, सर्दियों की जरूरत। माशाल्लाह, कितना चौकड़िया देख बने हुए हैं, डिजाइनिंग में है और गर्म भी है, गर्म भी बहुत है। पहले ऐसे ले आए थे, तीन ले आए थे। हाँ पहले तीन ले आए थे, आप पहले ले आए थे तीन, ये आ गए तो बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। हाँ जी, ये डबल बेड के हैं। हाँ जी, डबल बेड, जब अल्लाह पाक हमें डबल बेड देगा तो ये ऊपर दिखाएंगे। अल्लाह पूरी करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस, ये भी बहुत अच्छे। हाँ जी, नरम नरम बहुत है, मुझे ये अच्छे इसलिए लगते हैं। हाँ जी, बहुत नरम नरम, नरम मुलायम, इंसान ऊपर लेना अगर सुकून आ जाएगा। बिल्कुल इस्तियाना, आप खुश नहीं हो रही, क्या बात है। आप आज खेलते भी नहीं हो, कैसे लाल लाल डब्बे बने हुए हैं। हाँ जी, ये चेक करें जी, ये देखें, रेड, हाँ शोबाजी माशाल्लाह जी, ये देखो कमाल है, ज्यादा खूबसूरत तो ये है। ओ ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये बहुत प्यारे फूल ये ऐसे है जैसे वो बेबी का कंबल है ना। हाँ जी, ये उस तरह है, मेज पे फूल देखें, आखिर में सोना निकाल लिया। ये जो पहनेगा ना, ये लकी बंदा पहनेगा। हाँ इंशाल्लाह, ये बड़ा ही बहुत ज्यादा लगता है, सारे ही इसी तरह के हैं, एक जैसे ही है। साइज एक है, साइज एक है, लेकिन खूबसूरत है ये, इसमें फूल जो ये वाले बने हैं ना, ये तीन बंदे चार बंदे आराम से पहन के सो सकते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग रही आज की। ये हमारा बोरा था जिसको हमने ओपन कर दिया, लाखों की शॉपिंग हुई, इसलिए तुम्हारा अब्बू तो फोटो भी आ गया, मुझे बैठने नहीं दिया और बात कर मुझे सुनिया कर दिया। तो और खर्चे होने हैं, इससे भी ज्यादा खर्चे होने हैं। हाँ जी, वक्त के साथ भाई मेरे हाथ खड़े हैं। हाँ अब देखो, हाथ मैंने खड़े कर लिए, इसलिए तो अब्बू जान कह रहे थे इरफान भाई अपने फंक्शन का इंतजाम करो, हमने इतना किया है कर लिया, हमसे जो कुछ हुआ हमने कर लिया। मैंने वो पहले बताया है बहन भाइयों को कि मेरे पास सिर्फ 100 का नोट जेब में बचा, जो हमने गन्ने का जूस जाके पी लिया, वो दूसरा मिल्क शेक भी नहीं पी सके क्योंकि वो महंगा होता है। हाँ जी, जूस का नसीब हो, गन्ने का जूस नसीब हो माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये फंक्शन की तैयारी हो रही है जी, अभी और भी शॉपिंग है जो फरमान की वीडियो में बताएंगे। हाँ, और भी हैं गिफ्ट माशाल्लाह, बड़े बड़े, ये ना समझें जो सिर्फ एक चीज अल्लाह खुद दे। हाँ, जरूर, और भी बड़े बड़े गिफ्ट हैं, बड़े बड़े गिफ्ट और भी हैं, ऐसे नहीं लाखों की शॉपिंग शॉपिंग बता रहे, सारी पूरी देखेंगे तो फिर बताएंगे, जो उधर बताए लाखों की शॉपिंग की है उधर। हाँ जी, और मेरे वीडियो में भी देखेंगे। हाँ हाँ, सारी सार सब की वीडियो में अलहदा अलहदा गिफ्ट होंगे, देख लेना। हाँ, अलग अलग गिफ्ट हैं। हाँ, ये नहीं है कि एक ही वीडियो में ये दिखा दें, दूसरी में भी वही चीजें दिखा दें, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, एक वीडियो में अपना सामान ये दिखाया, दूसरी वीडियो में और सामान होगा, तो
कौन सा इरफान में और सामान होगा। हाँ अलग अलग हम करके दिखा रहे हैं कि उन्हें पसंद है। भाई तीनों वीडियो जो है ना पूरी वाज करेंगे, फुल सामान देखेंगे कि हमने लाखों की शॉपिंग रेडी भर के उधर से रक्षा लोड हो गया। हाँ जी से रेडी भर के लेके आए। हाँ जी क्या क्या शॉपिंग की है हमने इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग है।